श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वाद मोघलांचनम जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जनशासनम। सभी को आदर और गौरव समर्पित करते हुए हम अभी श्री क्षेत्र स्वादी सुधापुर नाम के अपने दिगंबर जैन मठ में हम सभी खड़े हैं। ये मठ क्षेत्र तो दूसरे शताब्दी से अक्षुण परंपरा चलते आ रहा है और ये मठ की परंपरा आचार्य अकलंक जी से प्रारंभ होता है। आचार्य अकलंक जी ने 722 में उसके लगभग यहाँ पर सोंदा क्षेत्र में आए थे और यहाँ देसी गण का पीठ था, उस पीठ के ऊपर उन्होंने विराजमान होकर यहाँ के प्रथम भट्टारक उन्होंने बने और उनका जन्म हुआ था मान्यकेट नगर में और हव्यतुंग और पद्मावती की उनके माँ पिता थे और उनका अध्ययन हुआ था बिहार में नालंदा के बाद में जो बाजू में रहने वाला एक क्षेत्र था पोनोतगा, वहां पर अध्ययन करके फिर उन्होंने कांचीपुरम के जो मुनिगिरी करंदे है वहां पर शास्त्रार्थ किए थे और कलिंग देश में शास्त्रार्थ किए थे और सबसे उन्होंने जैन धर्म का हर जग में जैन धर्म का पताका लहरा कर फिर उन्होंने श्रवणबेलगोला होते हुए अरिहंतगिरी होते हुए अपने स्वादी मठ के लिए आते हैं। यहाँ पर 722 में उन्होंने यहाँ पर प्रथम बार आकर यहीं पर उनका कार्यस्थान और यहीं पर उनका समाधि स्थान ये दोनों यहीं पर है और ये अभी हम सब दर्शन कर रहे हैं आचार्य अकलंक जी का चरण पादुका है। ये 722 में उनका समाधि के उपरांत यहाँ पर चरण पादक उसी समय से स्थापित है। यहाँ पर कन्नड़ भाषा में शिलालेख भी है, चारों तरफ में उनका शिलालेख है और फिर इनके बाद में भट्टा अकलंक देव और उसके बाद में विद्यानंदी देव, विजय कीर्ति देव और पाल्य कीर्ति देव और दूसरा अकलंक, तीसरा अकलंक और उसके बाद में दूसरा विजय कीर्ति और तीसरा विजय कीर्ति, उसके बाद में दूसरा पाल्य कीर्ति, तीसरा पाल्य कीर्ति, उसके बाद में भट्टा अकलंक देव। उन्होंने 16वीं शताब्दी में थे, उन्होंने कन्नड़ भाषा के व्याकरण ग्रंथ भी लिखे थे कर्नाटक शब्दानुशासन और उसके बाद में उन्होंने प्रायश्चित ग्रंथ भी लिखे थे भट्टा अकलंक प्रायश्चित विधि और उसके बाद में उन्होंने प्रतिष्ठा ग्रंथ भी लिखे है प्रतिष्ठा कल्प प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखे हैं और उसके बाद में कन्नड़ भाषा मंजरी और मंजरी मकरंद ये दोनों उन्होंने व्याकरण ग्रंथ भी लिखे हैं, ऐसे षट भाषा कवि थे उन्होंने और उसके उसके बाद में 22 भट्टार लोग यहाँ पर समाधि प्राप्त किए हैं। उनका समाधि चरण हम यहाँ पर दोनों दिशा में हम देख सकते हैं, अत्यंत प्राचीन चरण पादुका है और यहाँ पर ये चरण छत्री जहाँ पर बने हैं एक ही पत्थर में बना हुआ है पूरा एक ही पत्थर में बना हुआ है, उसमें चरण भी है और पिच्छे का मंडलो है और मंदिर है, दीपक रखने का स्थान भी वहां पर अंकित किए हैं। ये यहाँ का विशेष है। आप सभी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी कर्नाटक पधारिए, कर्नाटक से हमारा स्वादी जैन मठ बोलिए, सब आचार्य अकलंक जी का पीठ है, उत्तर कन्नड़ जिला सोंदा मठ यहाँ क्षेत्र का नाम है। आप सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन महाराज जी, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर हावेरी है और तालगुप्पा है, बेंगलोर से और हर जगह से वहाँ पर हमें यहाँ पर जो ट्रेन मिलते हैं, नियरेस्ट एयरपोर्ट है हुबली एयरपोर्ट है, यहाँ से 80 किलोमीटर है, 1.5 घंटे में हम एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। इच्छा में महाराज जी, सातवीं शताब्दी के जो आचार्य अकलंक जी हम अपने सोंदा क्षेत्र में हुए थे उनके शिष्य का ये यहाँ पर चरण छत्री बना हुआ है। ये संपूर्ण एक ही पत्थर में बना हुआ है, एक ही पत्थर में बना हुआ है। इसका मंदिर का रूप भी दिया गया है, यहाँ पर ये शिखर है, शिखरबद्ध है और यहाँ पर खम्बे है, यहाँ तोरण भी लगा हुआ है और ये चरण पादुका है, एक कमल पीठ है, कमल पीठ के ऊपर चरण पादुका है। यहाँ हम अभिषेक किए तो यहाँ पर गंधोदक लेने का स्थान भी है और यहाँ पर गंधोदक ऐसे आता है, इसमें छेद है, यहाँ पर यहाँ गंधोदक ले सकते हैं और दीपक रखने का भी यहाँ स्थान बना हुआ है चारों दिशा में और यहाँ पर ये पिच्छी बना हुआ है, ऐसे गोलाकार का पिच्छी रहता था पहले ऐसे और यहाँ पर कमंडल बना हुआ है, ये कमंडल है, ये गोलाकार का कमंडल है, यहाँ पर उसका मुंह है और ये उतारने का है और यहाँ पर ये कन्नड़ में प्रशस्ति है जो आचार्य अकलंक जी का शिष्य जो भट्टा अकलंक देव, विद्यानंदी देव, विजय कीर्ति, पाल्य कीर्ति ऐसे उनका गुरु परंपरा इसमें लिखा हुआ बराबर चलती आई है। ये देखिए इसमें कमंडल अच्छे से दिख रहा है महाराज, लेकर लगवा दो, लेकर इसका पूरा ये कर लेंगे, लेकर लेकर लगा दोगे तो पत्थर घिसेगा नहीं, वो उसका जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, लेकर से वो कमंडल है और ये पूरा चरण क्षत्रिय शास्त्री जी। कभी आए ऐसे नहीं आए हो स्वामी जी।
वे संपूर्ण एक ही जो पत्थर में बना हुआ है चरण छत्री, यहाँ पर खम्बे है और यहाँ सूर्य चंद्र है और यहाँ पर त्रिमय कला बना हुआ है, यहाँ चरण है और यहाँ पर कन्नड़ में इसका पूरा जो प्रशस्ति लिखा हुआ है नाम और नाम लिखा हुआ है और इस तरफ कमंडलो और पिंची दोनों जग में यहाँ पर बना हुआ है। ये यहाँ का विशेष है, एक ही पत्थर में आपको निषिदिका मंडप कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, वो आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बोले आचार्य भट्टा कलंक देव की जय हो। आज से 200 साल प्राचीन जो यहाँ पर भट्टारक जी थे उनका चरण पादुका यहाँ पर बना हुआ है। ये अप्पैया स्वामी जी थे, प्रतिष्ठा पाठ भी लिखा है। हाँ, भट्टा कलंक स्वामी जी जो हाँ। उनका दीक्षा का नाम था अप्पैया स्वामी जी, उनका परंपरा से भट्टा कलंक स्वामी ही बोलते थे, उनका चरण पादुका है यहाँ पर। 1947 में यहाँ पर 1974 में यहाँ पर अक्कोड़ के भट्टारक जी थे, उन अक्कोड़ कर बोलते थे, उन्होंने उनका चरण पादुका है यहाँ पर। और हम फिर पद्मसागर भट्टा कलंक स्वामी जी थे, उनका चरण पादुका यहाँ पर बना हुआ है। ये अभी नए, हाँ नए, हमसे पहले जो थे उनके लेकिन डेट है डेट हाके थे पहले। टीला वगैरह कुछ है था क्या यहाँ पर? यहाँ पे नहीं है, या वहीं पर संस्कार होते हैं। अच्छा, संस्कार इसके और इसके बाद में यहाँ पर चरण कैसे बना होगा। संस्कार यहीं पर? हाँ, संस्कार यहीं, ये संस्कार करने का जगह है। क्या बोलते हैं? निषद्ध।